अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सब एक भाई लेना है, एक एक आप भाई निर्माण में उनकी भी आहुति भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो, जिसे वो भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए। साथ में इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और एक ऐसा व्यक्तित्व जिनसे मैं जब भी मिला मुझे लगा कि मैं वो सारी क्वालिटी है जिन्हें मिलना चाहिए। अद्भुत विनम्रता, मृदुभाषी, विषय का ज्ञान और हमेशा बहुत ही सरलता के साथ किसी भी विषय पर चर्चा करने वाले ऐसे आदरणीय अजीत भल्ला साहब, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मैं जब भी उनसे मिलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि व्यक्ति बहुत अच्छे हैं अगर पार्टी के लिए चुन लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कभी भी उनसे पार्टी पॉलिटिक्स की कभी बात नहीं की। सदैव उनके मेरे बीच श्रीमान श्रीलाल जी बाबा भारतीय जनता पार्टी में मुझे प्रदेश मिलता है तो मुझे मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। मैंने वहीं से आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी को फोन किया, उनकी अनुमति प्राप्त की और आज एक देशभक्त, एक राष्ट्रवादी और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संघ की शाखाओं में शिक्षा ग्रहण की, जिनके मन वचन कर्म में संघ विद्यमान था और बहुत ही सुचिता के साथ वो राजनीति करते थे, ऐसे अजीत भल्ला जी आज हमारे भारतीय जनता परिवार के सदस्य बन गए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनकी इस बात का खंडन करता हूं कि मैंने उनका हाथ पकड़ा। मेरा तो मानना है कि वो इतने अनुभवी है कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है और मैं उनके अनुभव का लाभ लेकर लगातार उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में भी काम करूंगा और समाज के क्षेत्र में भी काम करूंगा। श्रीनाथ धुनी का जो विकास कार्य है वो हम मिलजुल कर करेंगे। ये जो कुछ हुआ है ये सब श्रीमद श्रीनाथ जी बाबा की कृपा से हुआ है और आगे भी उन्हीं की कृपा से होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। श्रीमान श्रीनाथ जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग को समर्पित हो गए, ये गुरु महाराज की महिमा की प्रक्रिया जारी है तो हमारा काम पूरा हुआ और निश्चित रूप से काम पूरा हुआ। और इसी बीच वहाँ पर जब कोई चीज बन जाती है तो निश्चित रूप से पत्रकार साथी बाइक लेने आते हैं, तो कुछ साथी हमारे पास आए बाइक लेने और मैंने उनको निश्चित रूप से जो जीतना है वो बोल दिया, कोई पार्टी बोलने वाली तो बात नहीं। और वो चीज जब लेकिन किस बात को लेकर आपको प्रताड़ना झेलना पड़ी वहाँ पर और आप यहाँ ने बीजेपी का दामन संभाला आपने। हमारे सांसद जो हमेशा तत्पर रहते हैं अच्छे कामों के लिए और उनके बारे में शहर में बड़ा भ्रम फैलाने का प्रयत्न कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे थे निरंतर। और जब हमने विकास की बात हुई
आपको हमारे देवास के आदरणीय श्रीमान योगी श्रीनाथ जी महाराज के यहाँ जो निर्माण कार्य करवाया, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि निर्माण कार्य की कीमत पैसे से नहीं है, वह निर्माण कार्य की स्थिति है कि वहाँ पर कोई भी हाथ डालना नहीं चाहता था, काम करवाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह संवेदनशील स्थान था। पर आदरणीय सांसद जी ने इस बात की परवाह नहीं करी और इस बात का धैर्य बनाया कि हमारे धार्मिक स्थल पर अगर कोई बलात्कार करेगा तो निश्चित रूप से वह जो जगह है वह असुरक्षित है। और उन्होंने तुरंत उस निर्माण कार्य को करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी, और वहीं से मेरे को ऐसा लगा कि निश्चित रूप से इसमें का जनप्रतिनिधि देवास में न कभी हुआ है न कभी होगा, और इसलिए गुरु प्रेरणा से हम सब ये काम करने में, उनका सहयोग करने में जितने भी गुरु भक्त हैं सब तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। जैसे आपने भी कहा था कि कांग्रेस में किस तरह की वो प्रधानना एक बात की थी कि मुझसे कुछ गलत वक्तव्य दिलवाना चाहते थे, और मैंने कहा कि मैं इस हिसाब के गलत बातें नहीं करूँगा, चाहे मुझे जो भी सजा मिलना है, जो मैंने बोला मैं अक्षतः सही है और मैं उसी का पालन करूँगा, मैं अपनी बात को काटूंगा नहीं, जो बोला है मैंने सत्य बोला है, गुरु महाराज के दरबार में नहीं ये बात करूँगा। वैसा आपने भी वक्तव्य का बोला था कि नाम भी लिया था आपने किसी का, तो कौन व्यक्ति है जो आपसे वक्तव्य बुलवाना चाह रहे थे और किसके लिए बुलवाना चाह रहे थे? वो हमारे यहाँ के जो पूरा मैनेज करते हैं देवास के, वो ये चाह रहे थे जो कांग्रेस को अभी बागडोर जिन्होंने संभाल रखी है, हमारे अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और हमारे मंत्री, वो चाह रहे थे कि मैं जल्दी कोई बयानबाजी करूं, मैं उस चीज़ को मैंने सिरे से नकार दिया और मैंने ये सोचा कि इसी संगठन में रहने का कोई मतलब नहीं है। क्या हम बात करें राम मंदिर या शीलनाथ बाबा का मंदिर के लिए जो निर्माण हो रहा था उसको लेके कुछ वीडियो वगैरह उसके दुखी होकर आए हैं, क्या क्या लगता है कांग्रेस पार्टी विरोधी है भगवान का? एक बहुत छोटा सा मामला था जिसमें इन्होंने शीलनाथ संस्था में मेरे द्वारा एक बाउंड्री वॉल का जो निर्माण कार्य कराया था उसके संबंध में उन्होंने कुछ तारीफ कर दी थी, उसी का विरोध करते हुए कांग्रेस के कुछ लोगों ने उनका अपमान किया, उनका अपहास किया और इस प्रकार का व्यवहार किया जो किसी भी सुचिता के साथ राजनीति करने वाला व्यक्ति पसंद नहीं कर सकता। वो व्यतीत होकर राजनीति छोड़ना चाहते थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जाकर उनसे निवेदन किया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ आके राजनीति करना स्वीकार किया है, और सनातन के वो शुरू से ही पक्षधर रहे हैं। उन्होंने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया, उन्होंने कभी धारा 370 का विरोध नहीं किया, उन्होंने कभी CA के कानून का विरोध नहीं किया, उन्होंने ट्रिपल तलाक के विरुद्ध जो कानून आया उसका कभी विरोध नहीं किया। तो राष्ट्रवाद और देशभक्ति तो उनमें वैसे भी कुट कुट कर भरी हुई थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते वो काम करेंगे और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। क्या कांग्रेस की बात करो, राष्ट्र निर्माण के लिए कांग्रेस बुलबुलाई है क्या आज की तारीख में? बताएं, राम मंदिर हो या किसी प्रकार का मंदिर हो, उसको लेकर कांग्रेस के बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से सनातन विरोधी पार्टी है। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि 22 जनवरी 2024 का जो निमंत्रण पत्र उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मिला था उसको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, और रिफ्यूज़ करने के बाद डंका बजा बजा के उसको बताया कि हमने राम मंदिर के आमंत्रण पत्र को अस्वीकार कर दिया। ये कांग्रेस के नेताओं का दुर्भाग्य है। कांग्रेस में ना तो नीयत है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, ये पार्टी पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है। यहाँ पर अजीत भल्ला जी जैसे सुचिता के साथ राजनीति करने वालों के लिए वैसे भी कोई स्थान नहीं था, वो अब राष्ट्र निर्माण में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे जो देश को प्रथम रख के और काम करना चाहते थे, वो सारे लोग कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पेट इतना मजबूत है कि वो सभी लोगों को हजम भी करेंगे, सभी लोगों को पचा भी लेंगे और सभी लोगों को साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी का काम खड़ा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी केवल देश के लिए काम करती है। देश के लिए जो काम करने वाले लोग हैं वो कितने ही लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, उन सबका स्वागत है। और भी भाषा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता या वरिष्ठ बीजेपी में आने वाले हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा हर राष्ट्रवादी और देशभक्त के लिए खुला है। जो भी देशभक्त है, जो देश को प्रथम रखता है, वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी। लेकिन इस प्रकार के लोग जो झूठ के आधार पर राजनीति करते हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनके स्वयं का जुबान पर नियंत्रण नहीं है, इस प्रकार की राजनीति करते हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि उनके सामने बैठा हुआ व्यक्ति उनसे उम्र में बड़ा है, उनसे उम्र में छोटा है, इस प्रकार के लोगों को बहानेबाजी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसका उदाहरण आपने पिछले दिनों कमलनाथ जी और कमलनाथ जी की टीम में आने वाले कई लोगों को देख चुके हैं।